संजीव श्याम जी ने बता दिया है, पार्टी की एक लाइन होती है और हम लोग सब साथे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारी है। हम लोगों ने कहा था, पहले भी लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुधांशु शेखर जी को एनडीए मंत्री बनावे। हम एनडीए में ईमानदारी से हैं, जब से एनडीए का गठन हुआ तब से हैं, थे और रहेंगे भी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 का फैन प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब बिहार में फैन नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार 20 में आवे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। बगल में आपने दे दिया, मंत्रिमंडल दे दिया, एमएलसी दे दिया, हम लोग को भी यहाँ एमएलसी है, एमएलए है, उधर एमएलए है और इतने हैं, उसमें एक आदमी को तो मंत्रिमंडल में शामिल। हम लोगों ने सरेआम कह रहे हैं कि सुधांशु शेखर को बनाइए और हम और बोर्ड निगम सब जगह हम लोगों ने हिस्सेदारी मांगी है। संजीव जी ने बताया है, यही लाइन है। उपेंद्र कुशवाहा जी से क्या लेना देना है भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी अपना रास्ता तेजस्वी जी राहुल जी के साथ चले गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई मामला है नहीं। हमने आपको कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, पहले भी मैं कहा था कि हमारी है असली, हम ही असली हैं। असली का आप नज़ारा आप देख रहे हैं कि असली हमारे साथ है कि नहीं, और पहले भी बता रहे थे आज भी। उपेंद्र कुशवाहा जी गए महागठबंधन में, ललटेन सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ललटेन पर।